राज्यपाल के बयान से भड़के महाराष्ट्र के नेता, मराठी मानुष की अस्मिता पर राज्यपाल को घेरा। गुजराती राजस्थानी वाले बयान पर बवाल, शिवसेना बोली राज्यपाल कोश्यारी ने किया शिवाजी का अपमान। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान से बखेड़ा खड़ा हो गया। मुंबई के अंधेरी पश्चिम क्षेत्र में एक स्थानीय चौक का नाम दिव्यंगत श्रीमती शांति देवी चंपालाल जी कोठारी के नाम पर रखा गया। शुक्रवार को इसी कार्यक्रम में महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इसी दौरान मौजूद जनता को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा, कभी कभी मैं यहाँ के लोगों से कहता हूँ कि महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ पैसा बचेगा ही नहीं। ये मुंबई आर्थिक राजधानी कहलाती है, वो आर्थिक राजधानी कहलाएगी ही नहीं। इस बयान को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासत काफी तेज हो गई। शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने राज्यपाल के बयान पर जमकर निशाना साधा। वहीं राष्ट्रवादी और कांग्रेस भी आड़े हाथों लेने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर जमकर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल पर हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा, यह टिप्पणी मराठी मानुष और मराठी गौरव का अपमान है। ठाकरे ने माफी की मांग करते हुए कहा, सरकार को तय करना चाहिए कि उन्हें घर वापस भेजा जाए या जेल। नवभारत समाचार के लिए मुंबई से मुरारी सिंह की रिपोर्ट। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। आपल्या देशाच्या महामहिम राष्ट्रपतींचे ते खास दूत असतात, म्हणून मी राज्यपाल पदाचा कुठेही अवमान करू इच्छित नाही, अनादर करू इच्छित नाही। पण एक गोष्ट नेहमी सत्य असते की त्या खुर्चीचा मान हा त्या खुर्चीत बसणाऱ्याने सुद्धा राखायला पाहिजे। तो त्या खुर्चीत सध्या बसवलेल्या गेलेल्या राज्यपाल म्हणून भगतसिंग कोश्यारी या व्यक्तीने ठेवलेला नाही। गेल्या 3-1 वर्षांची त्यांची काही वक्तव्य असतील, काही त्यांचे आपल्या समोर कॅमेऱ्यात चिटलेली काही दृश्य असतील, हे बघितल्यानंतर खरंच महाराष्ट्राच्याच नशिबी अशी लोक का येतात हा एक प्रश्न पडलेला आहे। तुम्हाला कल्पना आहे की मी मुख्यमंत्री असताना सुद्धा लॉकडाऊन सारख्या परिस्थितीमध्ये जेव्हा इतरत्र लोकांचे प्राण जात होते, जीव जात होते, त्यावेळेला ह्यांना सर्व धर्मियांची प्रार्थनास्थळ उघडण्याची घाई झाली।